1960 के दशक में अमेरिका के नॉर्थ कैलिफोर्निया में शाम ढलते ही सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ रहता था। उस समय की हालात इतनी खराब थी कि लोग अपने घरों से निकलने से डरने लगे, और इस डर की वजह एक ही सीरियल किलर था, जो इतने सारे मर्डर सिर्फ इसीलिए करता था ताकि उन मरे हुए लोगों को वो आफ्टर लाइफ यानी स्वर्ग में अपना गुलाम बना के रख सके। इस किलर का मर्डर करने का तरीका किसी मूवी से कम नहीं था, क्योंकि किसी की भी मर्डर करने से पहले ये किलर मर्डर कब और कैसे करेगा ये सारी चीजें पुलिस को कॉल करके बताता था, और साथ ही क्रिप्टोग्राम में लिखी हुई अपने लेटर्स को अमेरिका के मीडिया के पास भेजता था। ये कातिल इतना सातिर था कि पुलिस को उसका कॉल्स और लेटर्स मिलने के बाद भी आज तक उसे कोई ढूंढ नहीं पाया। लेकिन आखिर क्यों उसने ज्यादातर कपल्स को ही अपना शिकार बनाया? आखिर कैसे वो उन मरे हुए लोगों को अपना गुलाम बनाएगा? और सबसे बड़ी सवाल, आखिर कौन है ये जोडियक किलर? दिसंबर 1968, कैलिफोर्निया के लेक हरमन रोड पर डेविड आर्थर फराडे और बेटी लो जेंसन को एक कातिल ने 0.22 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तल से गोली मार के हत्या कर दी। ये दोनों एक टीनेजर्स थे, एक हाईस्कूल कपल जो अपने फर्स्ट डेट पर घूमने आए थे, पर बदकिस्मती से ये दोनों इस किलर का शिकार बन गए। इस किलर के मर्डर करने के पीछे ना ही कुछ मकसद था और ना ही पुलिस को इसके बारे में कोई सुराग मिल रहा था। ये अपने मर्जी से लोगों को मारता था, पर वहीं ज्यादातर वो कपल्स को ही अपना टारगेट बनाता था। 4 जुलाई 1969, ये किलर फिर से एक और कपल माइकल मैग्यू और डार्लिन फेरिन को 9mm हैंडगन से गोली मार दी थी। दरअसल ये कपल लेक हरमन रोड जहाँ पे पहला मर्डर हुआ था वहाँ से करीब 6.5 किलोमीटर दूर वेलिजो के ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क में अपने कार को पार्क करके रुके हुए थे। इसके बाद एक दूसरी कार उनके पीछे आके रुकता है और उसमें से ड्राइवर निकलकर अचानक उन दोनों पर गोलियां चलाता है। इस घटना के बाद मैग्यू, जो कि उसके चेहरे, उसके गर्दन और छाती पर गोली लगने के बावजूद वो उस हमले से बच जाता है, पर वहीं फेरिन की अस्पताल में मौत हो गई। इसके अगले दिन एक अनजान आदमी से पुलिस के पास कॉल आता है, जिसमें ये खुद को ही किलर बताने लगा और साथ ही कुछ लेटर्स भी भेजा था जो कि क्रिप्टोग्राम में लिखा हुआ था, जिसमें वो खुद का किया हुआ मर्डर्स के बारे में पुलिस को बताया था। साथ ही इस लेटर में ही वो खुद को अपना नाम जोडियक बताया था, और यहीं से ये दुनिया भर में जोडियक किलर के नाम से मशहूर हो गया। इतने सारे कॉल्स और लेटर्स के बावजूद पुलिस उस टाइम उसे ढूंढ नहीं पाई। इसके बाद भी ये जोडियक यही नहीं रुका, बल्कि 27 सितंबर 1969 इसी दिन पैसिफिक यूनियन कॉलेज के स्टूडेंट ब्रियान हार्टनेल और सेसेलिया सिफान ने लेक बेरियसा पर पिकनिक मनाने के लिए आए थे, पर अचानक उन्हें वहाँ 5 फीट 11 इंच का एक आदमी उनके सामने खड़ा हुआ दिखा। ये आदमी एक अजीब तरह का यानी किसी जल्लाद की तरह काला कपड़ा पहना हुआ था, आंखों में चश्मा और उसके कपड़े पर एक इस तरह का कुछ सिंबल भी बना हुआ था। पर इस बार हर बार की तरह सिंपली गोली मारने की वजह ये किलर पहले इन दोनों को रस्सी से बांध दिया और फिर चाकू से बार बार उन पर हमला करने लगा। उनको मारने के बाद वो किलर हार्टनेल की कार में इस तरह का कुछ लिख कर वहाँ से भाग गया। दरअसल उसमें हार्टनेल और सिफार्ड को कब उसने मारा था, उसका पूरा डेट, टाइम और यहाँ तक कि किस तरह मारा था वो सारी चीजें यहाँ लिखा हुआ था। इस हमले में हार्टनेल को 6 बार और सिफार्ड को करीब 10 बार चाकू लगी थी। इसके बाद उन्हें नापा के क्वीन ऑफ द वैली हॉस्पिटल पे भर्ती कराया गया, जहाँ पे सिफार्ड की 2 दिनों के बाद मौत हो गई और वहीं हार्टनेल जिंदा बच गया। इस घटना के 2 हफ्ते बाद यानी 11 अक्टूबर 1969 जोडियक अपना लास्ट मर्डर एक टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन की करता है, जिसे टैक्सी के अंदर एक पैसेंजर ने उनके सिर पर गोली मार के हत्या कर दी। ठीक इसके 3 दिन बाद फिर से पुलिस को जोडियक से एक लेटर मिला, जहां पे उसने खुद स्वीकार किया कि वो ही पॉल स्टाइन की मर्डर किया है। इस लेटर में जोडियक ये भी बताया कि वो आगे एक स्कूल के बच्चों को किडनैप करने वाला है। हालांकि इसके बाद से ही ये किलर पूरी तरह गायब ही हो गया। ये किलर हर बार की तरह सभी मर्डर के बाद पुलिस को कॉल और लेटर भेजता था। वो अपने हर लेटर में कुछ इस तरह का अपना एक सिंबल भी बनाता था। इसका सभी लेटर्स क्रिप्टोग्राम में लिखा हुआ रहता था, इसीलिए ज्यादातर लेटर्स को अभी भी सुलझा नहीं जा सका। ये अपनी लेटर्स में और एक बात ये भी बताता है कि ये इसीलिए इन सारे मर्डर्स को कर रहा है ताकि इन मरे हुए लोगों को ये अपना आफ्टर लाइफ में गुलाम बना के रख सके। जोडियक ये खुद कहता है कि वो अब तक करीब 37 मर्डर कर चुका है, पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक सिर्फ इसकी 7 मर्डर के बारे में ही पता चल पाई। जोडियक के अटैक से बचे हुए वो 2 लोग से मिले कुछ सबूत और खुद जोडियक का भेजा हुआ टोटल 18 लेटर्स के बावजूद अभी तक पुलिस कभी उसे ढूंढ नहीं पाई।
असल में वो कौन है और कहाँ है, ये आज भी एक रहस्य बन के रह गया। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।